आज तो 200 की स्पीड में पकाऊंगा, 500 की लगा लूं। कौन है? अबे चुड़ैल सामने आ, तेरे पे 2-3 मंत्र फूकूंगा ना, तब तेरे को समझ में आएगा। उच्चा हराम ज़्यादा, स्कूल का टाइम हो रहा है और तुझे मैं चुड़ैल लगती हूँ? मम्मी सुबह सुबह क्यों मार रहे हो? अच्छा तू मुझे चुड़ैल बोले और मैं तेरी पूजा करूंगी? अरे मम्मी मैं आपको चुड़ैल थोड़ा बोल रहा था, मैं तो सपने में बोल रहा था। आप तो दुनिया की सबसे प्यारी माँ हो, सबसे सुंदर माँ हो, आपको तो सब पता है। तुझे सब है पता मेरी माँ। अच्छा चल चल, ज्यादा मस्का मत लगा, उठ जा, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मम्मी आप टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी 2-3 साल नहीं खुलने स्कूल। अरे बेटे सपने से बाहर आ, मैसेज आ रखा है मेरे फोन पे, स्कूल ओपन हो गए तुम्हारे। मम्मी कुछ नहीं आ रहा, आप भी खामखा की टेंशन ले रहे हो। ये क्या सच में स्कूल जाना है? तो मैं क्या कोई मिल गया के जादू की तरह बोल रही हूँ? अरे मम्मी जल्दी से रणवीर को उठा दो, उसको भी स्कूल जाना है। वो तो कब का रेडी होके बैठा है, एक तू ही निकम्मा है यहाँ पे। है सच्ची? हाँ मुच्ची। गुड मॉर्निंग ब्रो। अरे मॉर्निंग तो है लेकिन गुड नहीं, अभी तक रेडी नहीं हुए क्या? अरे जल्दी हो यार, मुझे अपनी कल्लो गर्लफ्रेंड से मिलना है। देख लिया ना रेडी है ये, जल्दी तैयार हो जा। हाँ हाँ हो रहा हूँ, ठीक है ठीक है। हाँ सारा सामान हो गया, आजा छोटे चलते हैं। ठीक है मम्मी हम जा रहे हैं। हाँ हाँ आराम से जाना, स्कूटी का ध्यान रखना। आपका लड़का ड्राइवर है, ड्राइवर एकदम हैवी वाला। ओए ड्राइवर चल जल्दी। चुप हो जा वरना तेरे को लेके नहीं जाऊंगा, छोड़ जाऊंगा यहाँ पे। अरे नहीं भाई अपनी गर्लफ्रेंड कल्लो से मिलना है मुझे, ले चलना। चल चला जा। अरे भैया साफ बना दो साफ। अरे अरे भैया यूं ना लहराने को कहीं, साफ बनाने को साफ बनाने को साफ बना दो। अरे भैया ये क्या हो गया? अरे ये क्या हुआ भैया? तेल तो बराबर डलवाया था ना? अरे तेल तो मैंने पूरी टंकी फुल कराया था। जो पैसे मम्मी ने दिए थे उसके मोमोस तो नहीं खा लिया आपने? अरे तेरी कसम यार पूरा भरवाया था मैंने। हाँ तो सही से चलाओ ना। मैं तो टंकी चला रहा हूँ, स्कूटी अपने आप बंद हुई है। अरे यार भैया स्कूटी ने और दिमाग खराब कर रखा है। अरे भाई दहेज की स्कूटी है, क्या उम्मीद कर सकते हैं इससे? मेरे को लगता है नाना नानी ने हमें परेशान करने के लिए दी है स्कूटी। भाई तू मेरी एक बात सुन। सुना भाई तू ना शादी कर ले। पागल है क्या भाई? तू शादी कर लेगा ना तो दहेज में ना लैम्बर गुंडी लेंगे, लैम्बर गुंडी। अबे चुप कर, तू पागल है क्या? एक गाड़ी के लिए अपनी जिंदगी खराब करूंगा? चुपचाप धक्का लगा दे भाई, कर लेना धक्का लगा। भाई तू भी तो लगा। लगा तो रहा हूँ भाई, उतर के। नहीं फिर चलाएगा कौन? अरे भाई चला सकते है तू आप। मैं लगाता हूँ थोड़ा सा, आज उनके पहले दिन लेट हो जाऊंगा। अबे धक्का क्या, अबे नीचे क्यों बैठ गया? अरे भैया आज भी मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा आपकी वजह से। तो मैंने थोड़ी ना करवाया, स्कूटी ने करवाया। ये स्कूटी खराब होगी आपकी दहेज वाली। मेरी दहेज की थोड़ी ना है, पापा की है। किसी की भी हो लेट तो हो गया ना मैं आज। आज भी मैडम मुझे फिर से मुर्गा बना देगी, वो भी ग्रेवी वाला। ग्रेवी वाला? हाँ भैया धूप इतनी तेज हो रही है ना तो पसीने आ रहे, ग्रेवी वाला ही बनूंगा। नौटंकी मत कर, चल चुपचाप खड़ा हो। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? वो लड़की आना और सारे लड़के मेरी बेइज्जती करेंगे, फिर से लेट आया ये। क्या कर सकते हैं, घर चलते हैं। मम्मी गुस्सा करेगी। कोई नहीं मम्मी को मना लेंगे, चल चलते हैं। मम्मी 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 मम्मी। अरे भैया आप दोनों तो बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह लग रहे हो। अरे हम आपके ही लड़के हैं। हैं? है नहीं? हाँ। तुम दोनों स्कूल क्यों नहीं गए? अरे गए थे मम्मी लेकिन छुट्टी भी हो गई। नहीं नहीं पहले आप ही बोल लो। अच्छा ठीक है बता बता क्या बोल रहा था। अब बेच देते मम्मी स्कूटी को, कब तक उसे घसीटते रहेंगे। हाँ मम्मी नई गाड़ी ले लेते हैं ना। हाँ नई गाड़ी लेते हैं। चुप, तुम्हें पता है ये मेरे परनाना ने मेरे पापा को दी थी और मेरे पापा ने तुम्हारे पापा को, ऐसे कैसे बेच सकते हैं इस गाड़ी को? इसी को घसीटो वरना पैदल चले जाना, और मेरे साथ ही फालतू की बकवास मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है, और भी काम है मेरे को। अरे मम्मी चुप,
दोनों अंदर जाके पढ़ाई करो, बकवास करने आ जाते हैं मेरे साथ। यार भैया ऐसे चलता रहा ना तो हम स्कूल भी नहीं जा पाएंगे। रोज स्कूल के लिए निकलेंगे लेकिन फिर वापस आ जाएंगे। और भैया मैं अपनी गर्लफ्रेंड कल्लो रानी से भी नहीं मिल पाऊंगा। रुक जा, तेरे को है ना कल्लो से मिलवा के रहूंगा मैं। कैसे भैया? अब इस चीज का हल है ना एक ही इंसान निकाल सकता है। कौन? अच्छा बताता हूँ। पापा, क्या आपको अच्छा लगता है कि आपके सारे दोस्त कार में जाते हो और आप बस में? नहीं। पापा, क्या आपको अच्छा लगता है कि रोज आप बस में धक्के खाते हो? नहीं। क्या आपको अच्छा लगता है कि आपको अपनी बस की सीट लेडीज को देनी पड़ती है? नहीं। तो पापा नई गाड़ी ले लेते हैं? हाँ। यस, अभी मजा आएगा ना भाई। मेरा मतलब नहीं। क्यों? अरे तेरी मम्मी को कौन मनाएगा? आपकी बीवी, आप देखो। क्या क्या बोला तू? वो मैं कह रहा था कि वो मिलके मनाएंगे ना। लेकिन क्या वो मान जाएगी? हाँ मानेगी ना पापा, जरूर मानेगी। चलो फिर, चलो चलो पापा। अरे कुछ बोलोगे भी? वो मैं कह रहा था ना कि कुछ आपने सब्जी में क्या बनाया है? गोबर बनाया है, खाओगे? वो आपने बनाया है तो खाना ही पड़ेगा। पापा मुद्दे पर आओ ना। अरे बेटा मुद्दे पर कैसे आऊं? बस में धक्के खाने हैं? नहीं। दोस्तों की गाड़ी देख के चलना है? नहीं। नई गाड़ी चाहिए? हाँ। क्या? हाँ वो मैं ये कहना चाह रहा था ना कि एक नई गाड़ी ले लेते हैं। क्यों? वो मैं कहना चाह रहा था कि वो मम्मी पापा ऐसे कह रहे थे कि गाड़ी लेने के बाद ना मामा के घर गाड़ी में जाएंगे, फुल एसी चला के पार्टी में जाएंगे, शादी में जाएंगे मस्त, बस हमें धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। नहीं, कोई गाड़ी नहीं आएगी। गाड़ी चाहिए, 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 हमें चाहिए, 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 चाहिए। अरे नहीं मम्मी, ऑल्टो 800 नहीं लेंगे। नहीं नहीं कति नहीं लेंगे हम तो उसको। हाँ बच्चे सही कह रहे हैं, ऑल्टो 800 हम नहीं लेंगे। हाँ ठीक है तो गाड़ी कैंसिल। हम ऑल्टो 800 ही तो लेंगे। ठीक है तो कल रेडी हो जाना। अरे बात छोटे, कल तो नई गाड़ी आएगी यार, लेकिन ऑल्टो 800 आएगी ना। अरे कोई नहीं, अपनी खटारा स्कूटी से तो बहुत बढ़िया है। हाँ भाई ठीक कह रहा है तू वैसे भी। चल भाई जल्दी जाके सोते हैं और फिर कल सुबह गाड़ी लेने चलेंगे। हाँ भाई सही कह रहा है, टोरा जो मार ले। अरे कहाँ जल्दी है तुम? अरे वो मैं सोने जा रहा था। चुपचाप कल गाड़ी बाहर लाके खड़ी कर देना। ओके जैसा तुम कहो। अरे यार कहाँ रह गए पापा? हाँ भाई पापा कहाँ रह गए, नई गाड़ी तो लेके आ रहे हैं ना। हाँ शायद फिर ठीक है। मैंने ना इनको भेज के गलती कर दी है। अरे मम्मी ये क्या पहन रखा आपने? अरे बेटा सर्दी हो गई थी ना तो सोचा तेरे पापा के कपड़े पहन। मम्मी सर्दी आ जाएगी तो दरी भी पहन लोगी क्या? चुप कर। आगे क्या भैया गाड़ी? अंधा है क्या, दिख रही है? रुको देखता हूँ। भैया नहीं आ रही। नॉनसेंस, एक तो पापा ने पहले दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से तू कॉमेडी कर रहा है। रुक मैं पापा को फोन करता हूँ। पापा कहाँ रह गए, कब से वेट कर रहे हैं आपका, सुबह से धूप में काले हो गए हम, जल्दी आ जाओ। हाँ जल्दी आओ। हाँ आ रहे पापा? हाँ रास्ते में है। अरे एक गाड़ी तो आ रही है। हाँ भैया लग रहा है पापा आ रहे हैं इसमें। मम्मी पापा आ रहे हैं।
तेरे पापा तो ऑल्टो लेके आने वाले थे यार। भैया कब तक आएंगे पापा? पापा ने पूरा मूड खराब कर दिया, सुबह से इंतजार कर रहे पापा का। यार गाड़ी कब तक आएगी? अरे विनय बेटा अपने पापा को फोन कर। हाँ भैया जल्दी करो ना, बड़ी देर होगी धूप में खड़े खड़े। करता हूँ एक मिनट। पापा कहाँ रह गए हो? हैं? आ गए? कहाँ गए भैया? हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। हाँ गाड़ी तो दिखाई दे रही है, जो भी गई थी ना उसी में बता रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हो? ड्राइवर की नौकरी ढूंढ ली क्या आपने? पापा ने ड्राइवर की नौकरी ढूंढ ली। मम्मी पापा ने ड्राइवर की नौकरी ढूंढ ली। चलो चलो वहाँ पे चलते बात करते हैं। हाँ। चलो आज इन्हें मैं बताऊंगी। तो गाड़ी से मतलब है ना। अरे पापा। हाँ भाई पापा ही है। अरे आप? अरे पापा ड्राइवर की नौकरी ढूंढ ली क्या? हाँ भाई मुझे लग रहा है ना पापा ने टैक्सी ओला और उबड़ खाबड़ के ड्राइवर बन गया है। अच्छी खासी सरकारी नौकरी चल रही थी, ये क्या शौक पाल लिया ड्राइविंग का आपने? अरे वो मैंने ड्राइवर वगैरह की नौकरी नहीं ढूंढी, अरे वो कुछ ऐसा हुआ कि भाई और बहनों, बेटा और बेटियों, बुड्ढा और बुड्ढियों, चाचा चाचियों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप जीत सकते हो ब्रांड न्यू कार। ये तो बहुत अच्छी एड है। नहीं यार अच्छी नहीं है, ये सब पागल बनाते रहते हैं, हमें नहीं विश्वास करना चाहिए ऐसे एड पर। हे तुम। हाँ हाँ तुम्ही को बोल रहा हूँ। अच्छा? हाँ हाँ तू ही। तू मुझसे कह रहा है? हाँ भाई तुझी से कह रहा हूँ। सच में? मम्मी कसम 500 रुपए में जीते ब्रांड न्यू कार, लगा दीजिए 500 रुपए ही तो है, क्या जा रहा है? 500 ही रुपए तो है, लगा देता हूँ, क्या पता गाड़ी आ जाए। ठीक है गूगल पे करूँ या फोन पे? अरे पेटीएम कर दो, पेटीएम नंबर बताऊँ? 99 99, बाकी बताऊँ तेरे कान में। ये हमारी गाड़ी है? हाँ जी ये हमारी गाड़ी है। अरे पापा झूठ मत बोलो, 500 रुपए में कौन दे देगा ये गाड़ी? अबे भाई दे देगा, कल मैंने चीज खाई थी ना उसमें ना 500 रुपए में इतनी छोटी सी गाड़ी निकली थी, कहीं पापा ने 500 रुपए वाली बड़ी चीज खाई हो इसलिए बड़ी गाड़ी निकली है। अरे तुम्हारी मम्मी की कसम ये अपनी गाड़ी है। अरे भाई मम्मी की कसम खाली, मतलब ये गाड़ी हमारी है भाई, अपनी है, एक बार चूम के देख लो भाई। अबे मिट्टी लगी होगी। सही कह रहा है भाई। आपको वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो का फेवरेट पार्ट कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और नीचे लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, अगर वो लाल है ना तो उस पर मुक्का मार के उसको है ना ग्रे कर दो जल्दी से और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नई वीडियो आते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक लव यू।